सो हाय गाइस, रौनक यार। सो गाइस, कैसा होता अगर आपको किसी ने कॉल किया है एंड आपके फ्रेंड सर्कल के सामने आपके फ़ोन में जो भी कॉल आने के बाद जो भी बैकग्राउंड आता है तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए हो जाते हैं, एंड आपके फ्रेंड तो चौंक जाएंगे एंड आपको हर टाइम पे पूछेगा, भाई ये किस तरीके से किया तूने। सो गाइस, अगर आप भी आपके फ़ोन के बैकग्राउंड को इस तरीके से, कॉल के जो बैकग्राउंड है इस तरीके से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक और फिर से स्वागत करता हूं आपको ट्रेंडिंग टेक जन यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ फन। सो गाइस, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, आपके जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करना पड़ेगा। ओके, ओपन करने के टाइम पे आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड जिस एप्लीकेशन का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक अगर आप चाहते हैं तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ओपन में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दो परमिशन आपको मांगेंगे, तो उस सभी परमिशन को आपको ग्रांटेड करना पड़ेगा। कुछ आसान तरीके से परमिशन है, एंड उसके बाद इधर काफ़ी सारे कस्टमाइज ऑप्शन है, आप उसको लगा सकते हैं। तो आप अगर आपके फ़ोन पे कुछ कस्टमाइज ऑप्शन को लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे, लाइक एज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इधर इमोजीज टाइप के कुछ बंदे आएंगे, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे डायल पैड में कैसे आएगा आपके स्क्रीन, जब भी कोई कॉल करेगा तो उसका जो डायल पैड होगा उसमें किस तरीके से ये जो एनिमेटेड पिक्चर है ये शो करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस तरीके से कुछ, और एक बहुत सारा एप्लीकेशन है, आप इसको कैसे आपके फ़ोन पे सेव करेंगे एंड लगाएंगे तो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दिखाता हूँ। तो सपोज़ गाइज, आप इस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, तो जिस एप्लीकेशन को आप लगाना चाहते हैं उसके ऊपर एक क्लिक करना, उसके बाद ये जो डाउनलोड वाले जो ऑप्शन है वो हो जाएंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। अगर आपको ये बैकग्राउंड जो है इसको बैकग्राउंड में सेट करना है तो सिंपल सा ये जो क्लॉक के आइकन है इसमें क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आप क्लिक करेंगे इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएंगे, तो आपको यस जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। यस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इधर नीचे आप देख सकते हैं सेट फॉर ऑल, तो इसमें क्लिक कर देना पड़ेगा। तो जब भी आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से लोडिंग हो गए, एंड आपके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो कॉल करके, तो चलिए मैं कॉल करता हूँ। एक गाइस, जो पीछे का जो बैकग्राउंड था वो फर्स्ट टाइम कुछ और था और इस टाइम पे कुछ और है। तो इस तरीके से गाइस, आप भी आपके फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एंड एक एंड्रॉयड गुरु के हिसाब से आपके फ्रेंड साइकिल जो है उस पर जाना पहचाना जा सकते हैं। सो कैसा लगा ये वीडियो का ट्रिक्स, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड एज वेल एज चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, जाते जाते एक ही बात बोलूँगा यार, आओ मेरे चैनल पर ले जाओ ज्ञान और जपो ट्रेंडिंग टेक्शन बाबा के नाम। सो गाइस, चल दें, जय हिंद, वंदे मातरम। सो नमस्कार दोस्तों, स्टे विद माय चैनल एंड सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।